आज दीपावली के शुभ अवसर पर आज दादी फटाका फोड़ेगी। दादी फटाका फोड़िएगा ना, इसको पूरा चीर कर भी लाई है तो इसको अभी धूप में देगी सूखने के लिए। अभी धूप भी काफी तेज उगा हुआ है, इसको धूप में दे देगी सूखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक नई वीडियो में। सो मेरा नाम है देवराज और आज फिर आ चुके एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो आप सभी का गुड मॉर्निंग प्यार भरा, और अभी बज रहे सुबह के 7:30। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग मेरा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज है 31 अक्टूबर और आज ही है दीपावली। तो आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और आज 31 अक्टूबर के शुभ अवसर पर स्कूल में छुट्टी मिला हुआ, तो आज मुझे स्कूल में गाड़ी चलाने के लिए नहीं जाना पड़ा, तो काफी ज्यादा खुश है। इधर से देख पा रहे, इधर से बाबू बैठा हुआ है। हेलो गाइस। और इधर देख पा रहे, इधर दादी बैठी हुई है। बाबू और दादी दोनों मिल के दीपावली घर बनाया, तो देख सकते हैं आप लोग, ये है इसका दीपावली घर, जो कि काफी प्यारा घर बनाया है। और बाबू, इसमें पूजा होगा? हाँ, पूजा होगा भैया। तो इसको कल बनाया था ना? हाँ। अभी देख पा रहे होंगे, अभी इसका मिट्टी अभी गीला, अभी सूखा हुआ नहीं है। और इधर से दादी है, तो दादी इसमें पूजा होगा? पूजा हाँ, शाम को। अच्छा, और आज दीपावली के शुभ अवसर पर आज दादी फटाका फोड़ेगी। दादी फटाका फोड़िएगा ना? फोड़ेंगे। तो देखिए आज का वीडियो में क्या क्या होता है, बाकी आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। तो फिलहाल अभी मेरा नाश्ता करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम वगैरह हो चुका है, तो आज मुझे कहीं कहीं जाना है। तो अभी इधर देख पा रहे हैं, इधर इधर मम्मी आ चुकी है। अभी मम्मी क्या है ये? तो देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग बताइएगा, लेकिन इसको मम्मी बता रही कि ये ओल है। तो मम्मी इसका क्या किया जाता? गरम मसाला इसको तल के इसको भून के निकालना। अच्छा, तो मम्मी बोल रही कि इसका सब्जी बनता है, और काफी टेस्ट सब्जी इसका बनता है, और खाने में काफी ज्यादा लगता है टेस्ट। तो अभी देख पा रहे होंगे, इसको पूरा चीर का भी लाई है, तो इसको अभी धूप में देगी सूखने के लिए। धूप में देंगे, अभी धूप भी काफी तेज उगा हुआ है, इसको धूप में दे देंगे सूखने के लिए। और मम्मी को बोले थे दत्तुन लाने के लिए, तो दत्तुन लाई मम्मी। तो देख पा रहे होंगे, इधर से आ चुका हमारे हाथ में दत्तुन। तो चलिए मुंह धोते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो चलिए अभी इधर से मुंह धोकर आ चुके हैं, और अभी इधर आने के बाद देख पा रहे होंगे, इधर खाना वगैरह तो बन रहा है। और फिलहाल इधर देख पा रहे हैं, इधर सब्जी चगा हुआ है, वही जो आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में, वही ओल का सब्जी देख पा रहे होंगे। तो अभी पूरा फ्राई करे, उधर शायद इधर मम्मी इधर बाहर में मसाला पीस रही है, और उधर दादी देख पा रहे हैं इधर सो रही है। इसको अच्छा से पूरा फ्राई करना पड़ता है, तभी पूरा अच्छा तरीके से बन पाएगा। तो अगर आप लोग कभी बनाए होंगे ओल का सब्जी, तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कौन कौन ओल का सब्जी खाए हैं। बाकी चलिए इधर सब्जी इधर बनने देते हैं अभी, और इधर से भी बैठ चुका है अभी खाना खाने के लिए, क्योंकि काफी कस के भूख लगा हुआ था। तो इधर देख पा रहे होंगे, इधर से आ चुका है इधर हमारा माड़ भात, और ये देख पा रहे होंगे आलू का सब्जी, और इधर देख पा रहे होंगे इधर लौकी का सब्जी। तो सब्जी तो अलग अलग है, लेकिन माड़ भात है, क्योंकि भाई हम लोग झारखंड में काफी ज्यादा माड़ भात पसंद है, और काफी ज्यादा मजा भी आता है खाने के लिए। तो चलिए अभी खाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो अभी मस्त अभी खाना पीना खा के, और अब इधर से देख पा रहे होंगे इधर बाइक को इधर निकाले हैं, और इधर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मेरा दोस्त है विक्रम। हेलो गाइस। तो विक्रम को बुलाया था कॉल करके, तो विक्रम अभी मेरे घर पर आ चुका है, तो अभी कुछ काम है फिलहाल, अभी हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं। और विक्रम, दीपावली का कैसा क्या तैयारी चल रहा है बताओ? बहुत बढ़िया है भाई, और आज तबाही होने वाला पूरा ना, एकदम दीपावली एकदम पूरा फड़ाका उड़ाका पूरा एकदम फोड़ना है, एकदम पूरा एकदम घर द्वार सब उड़ा देना। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को कुछ देर के बाद। तो फाइनली भी आ चुके हैं घर, और जो भी काम था विक्रम के साथ में सारा काम अभी खत्म करके आ चुके हैं। और घर आने के बाद काफी ज्यादा टाइम वगैरह हो चुका है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी शाम भी हो चुका है, और शाम का मौसम कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे। और जैसे ही आते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिल गया बाबू, और बाबू क्या लेकर आया देख पा रहे होंगे, यहाँ से बहुत प्यारा डॉग लेकर आया, जो कि पता नहीं कहाँ से डॉग लेकर आया, कहाँ से मिला तुमको? गांव तरफ से मिला। हाँ। देख पा रहे होंगे एकदम काफी ज्यादा एकदम है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस डॉग का क्या नाम रखेंगे, तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा तभी इसका नाम को सिलेक्ट करेंगे, और तभी इसका नाम को रखेंगे। बाकी बाबू देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा खुश है, पूरा खुश है ना? हाँ। पूरा खेल रहा है ना? हाँ। काफी ज्यादा खुश, इसका खुशी देख पा रहे होंगे। आओ इधर, आओ। मेरा बात तो सुन नहीं रहा, शायद बाबू का ही बात सुनेगा, क्योंकि यही लेके आया है। मेरा भी नहीं सुन रहा भैया, नहीं सुन रहा। ये अभी पूरा एकदम काफी ज्यादा छोटा एकदम देख पा रहे होंगे, पूरा क्यूट भी एकदम देखने में एकदम। और बाकी इधर का सीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आग जलाएं, जो कि ये आग नहीं, ये कोयला का भट्टी है, जो कि हम लोग का झारखंड में जो कि जो कच्चा कोयला होता है उसी का कोयला का पोड़ा करते हैं, और उसी का पोड़ा करके हम लोग को चूल्हा जलाते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे चूल्हा भी जला हुआ है, क्योंकि कच्चा कोयला नहीं जलता इसीलिए। तो
अभी का सीन ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि दीपावली का टाइम में लक्ष्मी पूजा होता है, तो उसी का काफ़ी ज़्यादा पूजा का सामान वगैरह लाना पड़ता है, तो उसी का अभी पूजा का सामान जाने पड़ेगा लाने के लिए। और बाकी इधर से माँ देख पा रहे होंगे, तो माँ पूजा का सामान लाना पड़ेगा अभी ना लक्ष्मी पूजा का टाइम में। तो लक्ष्मी पूजा का टाइम में अभी पूजा का सामान कुछ कुछ लाना पड़ेगा, तो चलिए अभी चलते हैं, अभी मार्केट जाना पड़ेगा। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो देख पा रहे इधर से बाइक भी निकाल लिए, तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो फाइनली भी आ चुके हैं मार्केट और उधर बाइक को लगा दिए, और इतना ज़्यादा भीड़ था इधर देख पा रहे होंगे, बाइक खड़ा करने का कहीं जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एकदम पूरा भीड़ एकदम देख पा रहे होंगे, बाइक लगाने का कहीं जगह नहीं है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं जो कि हमारे गोमिया मार्केट देख पा रहे होंगे, इसी को गोमिया मार्केट बोला जाता है, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए दीपावली से लेकर तैयारी वगैरह तक। देख पा रहे होंगे पूरा एकदम मार्केट जाम हो जा रहा, तो इधर पूजा का सामान मिल रहा, पूजा का तो सामान लेना है, बाकी और देख लेते हैं फटाखा वगैरह क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। इधर से देख पा रहे हैं पूरा फटाखा वगैरह एकदम है, देख रहे एकदम पूरा कहीं जगह नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा भीड़ है कि पूरा एकदम कहीं पर भी जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए यहाँ पर अपना जरूरत का सामान खरीदने के लिए। बाकी फटाखा में तो और भी ज़्यादा भीड़ है लेने के लिए, क्या पता अरे बाबा पूरा फटाखे लूट के जाएगा क्या। चलिए अपना जो है पूजा का सामान वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और इधर से यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे माता लक्ष्मी का और गणेश भगवान का काफी प्यारा प्यारा मूर्ति मिल रहा है देख पा रहे होंगे। अंकल कैसे करके दे रहे मूर्ति, मूर्ति कैसे करके दे रहे, ये सब में 150 का देख पा रहे हूँ यहाँ पे, 150-200 का यहाँ पे गणेश जी का और माता दुर्गा का यहाँ पे मूर्ति मिल रहा है। बाकी इधर से देख पा रहा हूँ, इधर से आ चुका अभी पूजा का सामान देख पा रहे हैं, पूरा ढेर सारे यहाँ पे पूजा का सामान वगैरह है, यहाँ पे भी लोग ले रहे हैं पूजा का सामान देख पा रहे हैं। बाकी इधर से भी देख पा रहे होंगे अलग अलग यहाँ पे भी मूर्ति वगैरह है, तो फाइनली गाइस अभी देख पा रहे होंगे पूजा का सामान ले लिए हैं, तो चलिए अभी पूजा का सामान लेके चलते हैं घर, उसके बाद फिर आप लोग को मिलते हैं कुछ देर के बाद में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भीड़ वगैरह है, तो चलिए चलते हैं अभी। तो अभी आ चुके हैं घर पूजा का सामान लेके, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था मार्केट में, तो इसके वजह से और भी ज़्यादा लेट हो चुका था, और इधर देख पा रहे हैं पूरा अभी रात हो चुका है। और चलिए अब देखते हैं घर का क्या सीन है, बाकी इधर जैसे ही आते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे रंगोली बना हुआ है जो कि बहन बनाई है, काफ़ी प्यारा रंगोली बनाई है। और बाकी देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो रहा है, और इधर से देख पा रहे इधर इधर मम्मी है जो कि इधर क्या करें, मम्मी सब्जी बना रही है। तो इधर देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे सब्जी बन रहा है आलू और बोधी का, जो कि रात का डिनर करने वाले हैं हम लोग उसी का। और बाकी कहाँ है बहन लोग, कहाँ उधर पूजा कहाँ करी सब, बाहर में कर रही है, तो पूजा बाहर में चल रहा है। और बाकी आप लोग और दिखाते हैं, और भी बहन रंगोली बनाई है, इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी रंगोली बना हुआ है और एक आगे का साइड में भी बना हुआ देख पा रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का ये रंगोली कैसा लगा, क्योंकि भाई हम लोग का तो मिडिल क्लास फैमिली से तो ऐसा ही रंगोली वगैरह बनता है, बाकी आप लोग क्या बनाते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं और बाहर दिखाते हैं कि किस तरह से क्या पूजा उन लोग कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं देख पा रहे हो यहाँ पे पापा बैठे हुए कुर्सी में, और यहाँ पे डॉग को लेके देखिएगा काटेगा है ना, ठीक से इसको रखिएगा। तो अभी चलिए देखते हैं, इधर बाबू पहले से ही ढप ढूप कर रहा है, पता नहीं क्या फोड़ रहा है क्या नहीं फोड़ रहा, चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आते हैं देख पा रहे हो यहाँ पे जो दीपावली का जो घर बना हुआ है यहाँ पे सब कोई पूजा कर रहा है, इधर देख पा रहे इधर बहन बैठी हुई है और उधर देख पा रहे बाबू और उधर दादी देख पा रहे होंगे, तो पूजा हो गया दादी, तो देख पा रहे होंगे इधर पूजा अभी चल ही रहा है। और इधर देख पा रहे होंगे जो कि दिवाली घर आप लोगों को दिखाया था, काफी खूबसूरत दिवाली घर बनाया, कब आप बनाया तुम्हें बनाया ना, तो दोनों ही लोग मिलकर बनाया, बाबू और बहन मिलकर बनाइए। बाकी इधर से आप लोग देख पा रहे होंगे अभी पूजा भी चल रहा है, और आज दादी फड़ाका फोड़ेगी, क्या दादी फड़ाका फोड़ेगी ना, फोड़ेंगे है ना, तो बाबू पूरा पहले से खुश है क्या बाबू, हाँ भैया। तो चलिए अभी देख पा रहे होंगे इधर पूजा वगैरह तो अभी हो रहा है पूरा, और चलिए दादी को फड़ाका फोड़ाते हैं, क्योंकि दादी कभी फोड़ी फटाका, नहीं बाबू नहीं फोड़े, क्योंकि पता है आप लोग लेडीज लोग काफी ज्यादा ये सब बम वगैरह फटाका वगैरह से डरती है, तो चलिए आज दादी को आज ट्राई करेंगे आज फटाका फोड़ाने का, क्या बाबू क्या बोलता है, हाँ सही बोलते भैया है ना, हाँ। तो नानी को दो फटाका दो छोड़ा के दो, तो आ इधर लेकर आओ, अभी इधर आ रही है इधर दादी, यहाँ रखिए यही इसी के ऊपर रख देते हैं, जलाइए ना, हाँ नीचे चलिए नीचे थोड़ा सा आगे मुंह में, देख पा रहे हैं यहाँ पे दादी फटाका जला चुकी है, भागी दादी भागी, अरे बाबा फटाका तो मिस हो गया, ये दादी फर्स्ट टाइम जलाई फटाका पूरा मिस हो गया, जा अरे बढ़िया ला फटाका ला, रे कैसा फटाका लाया ला, बढ़िया ला लेकर आओ, तो अभी यहाँ पे छुरछुरिया जला रही दादी अभी,
जलाइए बढ़िया से। अरे वाह एकदम पूरा देख पा रहे हैं एकदम काफी अच्छा लग रहा है एकदम पूरा जलाने में एकदम और मजा भी आ रहा पूरा एकदम दादी को देख पा रहे हैं। धुनते रहिए। अरे वाह चलिए दादी तो अब जलाई छुरछुरिया अब चलिए भाई हम भी जला लेते हैं छुरछुरिया। ओहो देख पा रहे हैं एकदम पूरा कलर लाइट जल रहा है एकदम अभी ज्यादा पूरा मजा आ रहा है अभी मार लिया। हैप्पी दिवाली गाइस आप सभी को। तो फाइनली भी दादी के साथ में और बाबू के साथ में पूरा फैमिली के साथ में काफी ज्यादा पूरा एकदम पटाखा एकदम पूरा जला उला चुके हैं और काफी ज्यादा मजा आया इस बार दिवाली में। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरे तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लोग मेरा चैनल पे नहीं हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रख लीजिएगा हमारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।